पूर्व शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश झा का मारपीट का मामला अब धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है और राजनीति भी होने लगी है। जहां एक तरफ कांग्रेस पदाधिकारी एवं पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश झा के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर आरोपियों के विरुद्ध जांच कर मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं आज इसी मामले को लेकर व्यापारियों ने व्यापारी विनीत विश्वकर्मा के साथ हुई 2 लाख रुपए की ठगी को लेकर पुलिस अधीक्षक को आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने ज्ञापन सौंपा है। व्यापारीगण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरेश झा के द्वारा शासकीय ठेका दिलाने के नाम पर व्यापारी विनीत विश्वकर्मा के साथ की गई 2 लाख रुपए की ठगी को लेकर पुलिस अधीक्षक को मामला दर्ज करने एवं षड्यंत्र शामिल कांग्रेस के साथियों को भी आरोपी बनाए जाने हेतु मामला दर्ज करने की मांग की थी तथा पैसे वापस दिलाए जाने की मांग की। दतिया में कांग्रेस नेताओं का एक ठग गिरोह चल रहा है और उनका काम है कि अपने राजनीतिक प्रभाव दिखाकर सीधे साधे लोगों को किसी को ठेके के नाम पर, किसी को व्यापार के नाम पर, किसी को ट्रांसफ़र के नाम पर उनको झांसे में देकर उनसे रुपये ऐंठने का काम उनका चल रहा है। एक नेता यहां पर हैं कांग्रेस के पूर्व शहर ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश झा, उन्होंने हमारे व्यापारी भाई विनीत विश्वकर्मा को उन्होंने जनवरी 2019 में 2 लाख रुपए शासकीय ठेका दिलाने के नाम पर हड़प लिए, लेकिन आज दिनांक तक उन्होंने एक पैसा वापस नहीं किया। इसको खिलाफ इन्होंने पुलिस थाने में आवेदन दिया था लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके खिलाफ़ हम लोगों ने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है कि उस पर FIR की जाए और उनके साथ जितने कांग्रेस नेता इस ठग गिरोह में शामिल हैं उन सबको जाँच करके पूरे गिरोह का पर्दाफाश किया जाए और इसके लिए हमने ये ज्ञापन दिया है। सुरेश झा चूँकि एक वो तो हैबिचुअल ठग है और उनके जो 2-4-5 कांग्रेसी नेता जिनके संरक्षण में उसका एक कारोबार फल फूल रहा है, पहले भी एक महिला के साथ 17 लाख रुपए की ठगी कर चुका है, एक आदमी 50,000 की ठगी कर चुका है, वो भी एक दो दिन में पुलिस के पास पहुंच गया है 2 दिन पहले। उसकी तो ऐसे कई प्रकरण अब शुरुआत हो गई है उसकी, अभी लोग उसके प्रभाव से उससे डरते थे लेकिन अब ये सामने आए हैं विनीत विश्वकर्मा जी, तो अब उनको देखकर और लोग जिनके साथ ठगी हुई है कई लोग सामने आए।